जनरल से तानाशाह बने परवेज मुशर्रफ अब सियासत में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां बहुत हैं। यहाँ की सियासत में पहले से ही उनके कई दुश्मन मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है उनकी सुरक्षा, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लौट रहा है तानाशाह, लौट रहा है पाकिस्तान पर करीब दशक भर तक हुकूमत करने वाला जनरल, जिस शख्स के इशारे के बिना कभी पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वो शख्स जनता के दरबार में घुटने टेकने आ रहा है। आम चुनावों से ठीक पहले पाकिस्तान की सियासत में अपना दांव आजमाने आ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ। रविवार को मुशर्रफ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे। देखें, मैं सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ और मैं किसी और का नहीं सोचता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ ना। उसमें जिसको जो जिसके ऊपर जो असर होता है वो अपने आप को संभाले। मैं तो पाकिस्तान से जा रहा हूँ, या इसीलिए रहा हूँ कि शायद कोई मौका अगर मिला तो कुछ दोबारा कुछ पाकिस्तान को बचाया जाए और इसको पटरी पे वापस चढ़ाया जाए और आगे लेकर जाए। अभी उसमें मुझे कोई जिम्मेदारी कोई देते हैं तो उसको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको सोच के बताना पड़ेगा। करीब 5 साल बाद वतन वापसी कर रहे मुशर्रफ ने चंद दिनों पहले ही साफ कर दिया था कि उनका एजेंडा पूरी तरह सियासी होगा। पाकिस्तान में 11 मई को चुनाव होने हैं। मुशर्रफ घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन चुनावों में हिस्सा लेगी और अब वो खुद पाकिस्तान में रहकर अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान को ठीक करना चाहता हूँ अगर मौका मिले। वो उस वक्त जो किया ये तो उससे पूछे जो उस वक्त अगर आदमी ने कुछ ना किया तो उसे पूछे आप नया कौन सा काम करने वाले हैं जी। अब आगे इस आदमी ने कामयाबी से पाकिस्तान चलाया हो उसे तो मैंने तो वही करना है जो मैंने पहले किया। मुशर्रफ दावा करते आए हैं कि वही एक ऐसे शख्स हैं जो पाकिस्तान को मौजूदा हालात से उबार सकते हैं। तमाम सियासी पार्टियों पर भी वो तीखे हमले करते आए हैं। अपने बयानों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब भी दिखा चुके हैं और अब चुनावों से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बयानबाजी कर पाकिस्तान की आवाम को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुशर्रफ। बलूचिस्तान टोटल कंट्रोल में हो गया था, उधर जब मैं आया हूँ 99 में 67 उधर एरिया थे जो ये दहशतगर्द बैठे होते थे, इनकी कैंप्स थे पूरे बलूचिस्तान में जहाँ ये चीनियों को मार रहे हैं, जहाँ ये गैस पाइपलाइन उड़ा रहे हैं बिजली के, ये हमने सब कंट्रोल कर लिया था। मुशर्रफ की वतन वापसी की राहों में अड़चनें भी तमाम थी। 17 गिरफ्तारी का भी मंडरा रहा था, 2 वारंट की तलवार लटकी थी जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से जुड़ा मामला भी है, लेकिन पाकिस्तान आने से ठीक पहले अदालत से अग्रिम जमानत की व्यवस्था कर अपनी गिरफ्तारी की संभावना कम कर दी है। एक राहत इंटरपोल से भी मिली है, इंटरपोल ने भी मुशर्रफ को गिरफ्तार किए जाने की पाकिस्तानी सरकार की मांग को राजनीति से प्रेरित करार देकर ठुकरा दिया था। मुशर्रफ ने पिछले साल भी वतन वापसी का ऐलान किया था, जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी, लेकिन फिर सुरक्षा कारण का हवाला देते हुए वो नहीं आए थे। लेकिन इस बार इरादे पक्के हैं, फासला बस चंद घंटों का है। आज तक ब्यूरो।